कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवीन जी, बीजेपी ने टिकटों का वितरण कर दिया है, कैसे देख रहे हैं इस टिकट वितरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी कैंडिडेट्स को बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके जो निर्णय लिया है, और वो निर्णय जो है सबके ऊपर लागू होता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही टिकट का वितरण हुआ, एक पूरे हरियाणा के अंदर विद्रोह के स्वर दिखे, और कहीं ना कहीं जहां पूरे प्रदेश में दिखे, कर्णदेव कंबोज की बात करें या रणजीत चौटाला की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, उसमें ही एक नाम आपके परिवार से भी जुड़ गया, माता जी का, सावित्री जिंदल जी का। तो कैसे देखते हैं, अब क्या फैसला है? देखिए, ये हर एक जगह अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, और क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब कार्यकर्ता कोई लगे होते हैं और उनको कभी निराशा होती है तो इस तरह से होता है। लेकिन पार्टी की ये भी हमें सबको समझना होगा कि पार्टी टिकट, बहुत से कार्यकर्ता जो है चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, और जब एक व्यक्ति को मिलता है तो दूसरों को उसमें अच्छा नहीं लगता, तो ये भी बात स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेतागण हैं, वो इस बात को समझेंगे और फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन देंगे। माता जी को कोई समझाने की कोशिश करेंगे या माता जी और बेटे ही सिर्फ फैसले में अलग अलग हैं? देखिए, ये माता जी जो करेंगे वो उनका निर्णय होगा, तो इसलिए हमें पार्टी के निर्णय का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, और उसी तरह से हम अपनी माँ के निर्णय का भी हम सम्मान करते हैं, जो क्योंकि माँ जो है वो खुद एक नेता है, और वो उन्होंने 10 साल तक वो मंत्री रही हैं, उन्हें हिसार के लोगों से बहुत प्यार है, तो इसलिए जो वो निर्णय करेंगी, उनके सिर्फ कोई, उनके 4 बेटे नहीं हैं, उनके जो है 5 बेटियां नहीं हैं, सिर्फ कोई 9 बेटे बेटियां नहीं हैं, उनके जो है लाखों बेटे बेटियां, वो पूरे हिसार को अपना परिवार मानती हैं, तो जैसे हिसार के लोग चाहेंगे, और ये उनका निर्णय है। हमने उनको यही समझाने की कोशिश की कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दें, लेकिन जो माँ जी जो निर्णय लेंगी उनका निर्णय होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि नवीन जिंदल हमारे साथ थे, और नवीन जिंदल ने साफ तौर पर यह कहा है कि सावित्री जिंदल कोई अकेली नहीं है, उनके साथ पूरा परिवार है, और उनके 9 बेटे बेटी नहीं बल्कि हिसार कहें या हरियाणा कहें, पूरे बेटे बेटियां उनके साथ हैं, और वो अपनी माँ के फैसले का भी सम्मान करते हैं, वहीं पार्टी के फैसले का भी सम्मान करते हैं। कैमरामैन अजय के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 कुरुक्षेत्र।